योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों से जुड़े उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स में एक बड़ा बदलाव किया है। ये नियम वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। लोकभवन में हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में यूपी फंडामेंटल रूल्स के नियम में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया है। सदन में पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। इसके तहत 20 साल की सर्विस पूरी करने से पहले जो भी कर्मचारी वीआरएस लेगा उसे पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने कई और बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों को राज्य सरकार से 5 साल का ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। अभी तक के नियम के मुताबिक वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार 5 साल का ग्रेस पीरियड देती थी। यानी यदि कोई कर्मचारी 20 साल के बजाय 15 साल में ही वीआरएस ले लेता था तब भी उसे पूरी पेंशन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस ग्रेस पीरियड को योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब यदि पूरी पेंशन का लाभ लेना है तो 20 साल की सर्विस पूरी करनी ही होगी, वरना कर्मचारियों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा किन कर्मचारियों पर पड़ेगा। इस नियम का सबसे ज्यादा असर सरकारी डॉक्टरों पर देखने को मिलेगा। दरअसल सरकारी डॉक्टर बड़ी संख्या में वीआरएस लेते थे, लेकिन अब उन्हें ऐसा करने के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब यूपी सरकार ने छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था तब ये नियम आया था कि 20 साल की सर्विस पर ही पूरी पेंशन मिलेगी। उससे पहले पूरी पेंशन लेने के लिए 33 साल की सर्विस जरूरी होती थी। बता दें कि यूपी सरकार ने फंडामेंटल रूल में संशोधन किया है। यह नियम केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही लागू कर दिया था, अब राज्य सरकार ने भी इसे अपना लिया है। हालांकि अभी संशोधन का प्रस्ताव सिर्फ कैबिनेट से पास किया गया है, इसे विधानसभा और विधान परिषद से भी पास कराया जाना जरूरी है, तभी एक्ट में संशोधन हो पाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहता है नियम। उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल्स के मूल नियम सरकार को जनहित में ऐसे सरकारी कर्मचारी को रिटायर करने का अधिकार देते हैं जिसकी ईमानदारी संदेहपूर्ण हो और वह काम में निष्प्रभावी पाया गया हो। इसमें सरकार को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी अफसर या कर्मतापी के काम के कुछ समय पर रिव्यू कर सकती है और उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे सकती है। यूपी में सरकार ने अब तक 600 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें 200 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया है।